हमास का दावा, इजराइल के 160 ठिकाने तबाह। क्या वाकई में हमास गाजा पट्टी में इजरायली सेना पर कहर बनकर टूट पड़ा है? आखिर किस दम पर हमास प्रवक्ता अबू उबैदा दावा कर रहा है कि गाजा शहर में इजरायली सेना का कब्रिस्तान बनना शुरू हो चुका है? हमास तो यहां तक दावा कर रहा है कि पिछले 48 घंटे के अंदर इजरायली सेना के 160 से ज्यादा ठिकाने हमास के लड़ाकों ने तबाह कर दिए हैं। सौ 65 दिन करेंगे जंग, हमास के लादेन का दावा। पहले आप ये जान लीजिए कि एक महीने से ज्यादा की जंग में इजरायली सेना ने हमास को कितना नुकसान पहुंचाया और उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायली सेना के ऑपरेशन कितने कामयाब हुए। इजरायल की वॉर कैबिनेट के मंत्री का दावा है कि 30 दिन की जंग में हमास के 6,000 के करीब लड़ाके मारे जा चुके हैं। यहां तक कि जंग के मोर्चे पर जाने वाले कमांडर और सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का साफ दावा है कि इजरायली सेना शानदार तरीके से हमास के ठिकानों को तबाह कर रही है, उनके लड़ाकों को चुन चुन कर मार रही है। लेकिन बेन्यामिन नेतन्याहू के दावे के ठीक उलट हमास प्रवक्ता अबू उबैदा ने दावा किया है कि उसने इजरायली सेना को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। हमास प्रवक्ता अबू उबैदा ने दावा किया है कि पिछले 48 घंटे में हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना के 160 ठिकानों को तबाह कर दिया है। ईज अल दीन अल कसम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा यहां तक दावा कर रहा है कि गाजा सिटी आईडीएफ के लिए कब्रिस्तान बनना शुरू हो चुकी है। हमास यहां तक दावा कर रहा है कि 7 अक्टूबर से अब तक 10,000 रॉकेटों से इजरायल के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी इलाके में वो हमले कर चुका है। हमास के नए वीडियो में ये भी दावा किया गया है कि इजरायल के अब तक 160 से ज्यादा टैंक, बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, सैन्य वाहन और सैन्य बुलडोजर को हमास के लड़ाकों ने धमाकों से उड़ा दिया है। पिछले 48 घंटे में ही इजरायल के 25 से ज्यादा लड़ाकू वाहनों को हमास ने तबाह करने का दावा किया है। प्रवक्ता अबू उबैदा ने तो यहां तक दावा किया है कि ये युद्ध संसाधनों के हिसाब से गैर बराबरी का है, लेकिन उसके बावजूद इजरायली सेना हमास के शक्तिशाली लड़ाकों से भयभीत हो रही है। हमास नेता अबू उबैदा ने यहां तक दावा किया है कि हमास अगले एक साल तक इजरायल से जंग करने में सक्षम है। تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري للعدو منها أكثر من 25 آلية. हालांकि मिडिल ईस्ट और पश्चिम मीडिया की तरफ से जारी जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो गाजा के लिए साक्षात नरक साबित हो रहे हैं। 11,000 से ज्यादा लोग गाजा में मारे जा चुके हैं। वेस्ट बैंक में हमास के कई कमांडर मारे जा चुके हैं। 50% से ज्यादा गाजा तबाह हो चुका है। 35,000 से ज्यादा इमारतें गाजा पट्टी में तबाह हो चुकी हैं। उत्तरी गाजा से 80% से ज्यादा लोग दक्षिणी गाजा की तरफ भाग रहे हैं और अभी भी भागने का सिलसिला रुका नहीं है। وين كنت لما صار القصف يا عمو؟ ما كنت وياك. انت صرت ثلاث دبات. ما كنت شوفها. صارت الخط. وانت بتبيع في الحية. والله في الحية. حرام يا عمو. حرام. وين بدنا نروح؟ وين بدنا نيجي؟ قول لهم حرام. صار الموضوع هاي صار.
इजरायली सेना इस वक्त आसमान, जमीन और समंदर से भीषण हमले कर रही है। जमीन पर हमास को मारने के लिए इजरायली सेना हमास के अंदर मौजूद इजरायली एजेंटों का इस्तेमाल कर रही है। गाजा पट्टी से जो खबरें बाहर आ रही हैं, वो वाकई हैरान करने वाली हैं। इजरायली सेना ने कैसे 900 घंटे के युद्ध में 65 से ज्यादा हमास के कमांडरों को मार डाला है, जरा ये समझ लीजिए। हमास के लड़ाकों के बीच इजरायल के कुछ ऐसे एजेंट हैं जो हमास के कमांडर और लड़ाकों के हर हमले और हरकत की खुफिया जानकारी इजरायल की खुफिया एजेंसी और सेना को दे रहे हैं। जैसे ही सुरंग में छिपे हमास के लड़ाकों और कमांडरों की जानकारी का सिग्नल हमास के बीच छिपे एजेंट इजरायली सेना को देते हैं, उसके बाद इजरायल तेजी से अपने हवाई और जमीनी कमांडरों को टारगेट की लोकेशन की जानकारी देता है, जिसके बाद सुरंग में मौजूद इजरायल के एजेंट एक सुरक्षित दूरी पर चले जाते हैं, जबकि हमास के कमांडर और बाकी लड़ाके इजरायल के हवाई और जमीनी हमले में बुरी तरह से मारे जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हमास के 5000 से ज्यादा लड़ाकों को इसी तरह से खुफिया इनपुट के आधार पर इजरायली सेना ने मार गिराया है। यहां तक कि 65 से ज्यादा हमास कमांडर इसी तरीके से इजरायल ने मार डाले हैं। שבנה האדם אי פעם, כל העיר הזו היא בסיס טרור אחד גדול. מתחת לקרקע, קילומטרים של מנהרות, הן מתחברות אל בתי חולים, אל בתי ספר, הן מחוברות ביניהם. יש בתוכם חדרי קשר, מחסני תחמושת, מקומות לינה, והכל על מנת לשמש... 365 דין קרנגי ג'ן, חמאס כלעדים קדבה. एक और खबर फिर से आई है कि हमास के ओसामा बिन लादेन के नाम से मशहूर हमास का टॉप कमांडर और नेता याया सिनवार सुरंग में छिपकर हमास के हमलों को कंट्रोल कर रहा है। खबर तो यहां तक आ रही है कि हमास की तरफ से पूरे ऑपरेशन की कमान इस वक्त याया सिनवार का छोटा भाई मोहम्मद सिनवार उठा रहा है। हमास के लादेन याया सिनवार का छोटा भाई मोहम्मद सिनवार बेहद शातिर और क्रूर है, जो इस वक्त इजरायली सेना पर हमला करने में जुटा है। यही हमास की सुरंगों से हमले इजरायली सेना पर करवा रहा है। हमास के दावों में इसलिए भी दम नजर आता है क्योंकि एक महीने से ज्यादा की जंग में हमास अभी गाजा पट्टी वेस्ट बैंक में इजरायली सेना पर तगड़े हमले कर रहा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि पिछले 24 से 48 घंटे में इजरायली सेना ने हमास के सफाए पर क्या दावे किए हैं। 6 देशों की जंग लड़ रहा हमास, इजरायल से डरा अरब। वहीं हमास के दावे के ठीक उलट इजरायली सेना ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे के अंदर आईडीएफ ने 150 से ज्यादा आतंकियों को जान से मार डाला है। आईडीएफ का दावा है कि हमास के 150 लड़ाकों के मारे जाने से उसकी रीढ़ टूट चुकी है, लेकिन यह भी सच है कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर आईडीएफ के 6 सैनिक हमास से जंग में मारे गए हैं। यहां तक कि गाजा पट्टी में मौजूद अल शिफा अस्पताल के पास भी इजरायली सेना की भीषण जंग हमास के लड़ाकों के साथ चल रही है। इजरायली सेना का दावा है कि अल शिफा अस्पताल में मौजूद हमास के कमांड सेंटर के बेहद करीब स्पेशल फोर्स पहुंच चुकी है। आईडीएफ ऐसे दावे कर रही है। हमास और इस्लामिक जिहाद के 15,000 से 20,000 लड़ाके इस वक्त गाजा पट्टी में जंग कर रहे हैं। इजरायली सेना के मुताबिक उनकी 401वीं ब्रिगेड ने हमास के शाकी बटालियन के बद्र आउटपोस्ट को खत्म कर दिया है। यहीं पर हमास के 150 आतंकियों को मार गिराया गया। इस जंग में इजरायली सेना के एक मेजर समेत 6 जवान मारे गए। हमास के शाकी बटालियन पर हमला करने के लिए इजरायली सेना को हवाई हमले, टैंक और आर्टिलरी यूनिट्स की मदद लेनी पड़ी है। सारी बटालियन को खत्म करने के अलावा इजरायली सेना ने कई जगहों पर हमास की मिलिट्री पोस्ट खत्म कर दी है, हथियार डिपो उड़ा दिए हैं। शादी सीमा के पास हमास का आउटपोस्ट आखिरी सबसे बड़ा पोस्ट था। इसके पास में रॉकेट लॉन्च स्टेशन था, उसे भी इजरायली सेना ने बर्बाद करने का दावा किया है। 6 देशों की जंग रहा हमास, इजरायल से डरा अरब। मिडल ईस्ट की मीडिया में अब ये दावे किए जाने लगे हैं कि हमास अकेले दम पर 6 देशों का युद्ध कर रहा है, जबकि इजरायल के हथियार तकनीक के सामने हमास कहीं भी नहीं टिकता है। लेकिन फिर भी ईरान, तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और मिस्र किसी भी कीमत पर हमास की हार को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। हिजबुल्ला का चीफ चीख चीख कर दावे कर रहा है कि हमास को हराना नामुमकिन है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने ऐलान कर दिया है कि इजरायल गाजा युद्ध कभी नहीं जीत पाएगा।
हमास की अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके आरपीजी थर्मोबैरिक ग्रेनेड रॉकेट से इजरायली सेना पर बेहद पास से हमले कर रहे हैं। इजरायली टैंकों पर महज 100 से 150 मीटर की दूरी से एंटी टैंक मिसाइलें और रॉकेट से हमले हो रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि हमास की अल कसम ब्रिगेड अमेरिकी और रूसी हथियारों से इजरायली सेना पर हमला कर रही है। हमास के पास जो घातक राइफलें हैं उन्हें देख कर ही लग जाता है कि ये या तो अमेरिकी हैं या फिर रूसी। इस वीडियो में दिखाया गया है कि हमास के लड़ाके अचानक तबाह इमारतों से बाहर निकलकर आरपीजी फायर कर रहे हैं या फिर टैंकों पर सीधे रॉकेट से हमले कर रहे हैं, जबकि जमीन पर इजरायली सेना का एक भी पैदल सैनिक नहीं दिख रहा है। अब देखना होगा कि अगले 24 घंटे में हमास और इजरायली सेना एक दूसरे को कितना नुकसान पहुंचाने का दावा करते हैं।